अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां उच्च सदन के लिए बिछेगी चुनावी चौसठ। 10 राज्यसभा सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, यूपी कोटे की 10 राज्यसभा सीटें खाली होंगी। अप्रैल में जो है राज्यसभा सीटें खाली हो जाएंगी। 10 राज्यसभा सीटों में से 9 बीजेपी के पास है और एक सपा सीट पर जया बच्चन राज्यसभा सांसद है। मार्च में घोषित हो सकता है पूरा चुनावी प्रोग्राम। विधान परिषद में 13 सीट 5 मई को खाली होगी। इस प्रकार जो है कई सारी सीटें इस बार खाली होने वाली है। विधायक कोटे की अगर बात करें तो 13 सीट विधान परिषद में है। बसपा भी इस बार विधान परिषद में शून्य होगी। समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी मजबूत हो सकती है इस बार, ऐसा कहा जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, खबर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। विभांशु लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, 10 राज्यसभा सीटों का कार्यकाल जो है अप्रैल महीने तक खत्म हो रहा है, जिसमें से जो है यूपी कोटे की 10 राज्यसभा सीटें खाली होंगी, जिसमें से 9 जो है बीजेपी की है। तो क्या लगता है कि कब तक जो आने वाले समय में फिर से इस कोटे को फुल किया जाएगा? बिल्कुल, आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में ये उत्तर देश के राज्यसभा की सीटों पे, जो देश का अपर हाउस है राज्यसभा, उसकी 10 सीटों पर कहीं ना कहीं एक बार फिर नए चेहरों को जगह मिलेगा। आपको बताया कि अप्रैल के महीने में फिर से एक बार अधिसूचना जारी होगी राज्यसभा की तरफ से, जिसमें से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश कोटे की 10 राज्यसभा सीटें हैं, इसमें से अगर बात करें तो 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और एक सीट समाजवादी पार्टी कोटे में है, जो की जया बच्चन जो की फिल्म हस्ती है वो समाजवादी पार्टी कोटे से राज्यसभा सांसद है। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की लोअर हाउस, उत्तर प्रदेश विधानसभा की लोअर हाउस यानी कि विधान परिषद में भी 13 सीटें खाली हो रही है और 5 मई को इस पर कहीं ना कहीं नामों का एक बार फिर से चयन प्रक्रिया होगी। तमाम दलों के द्वारा अपने प्रत्याशियों के नामों का नाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि अगर फिलहाल में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधान परिषद में 100 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी के पास 9 सीटें हैं और 10% सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी विधान परिषद के अंदर में विपक्ष यानी नेता प्रतिपक्ष बनने का आखिरी मौका होगा। क्योंकि बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सीटों में कोई विपक्ष नहीं है, क्योंकि जो एक मार्जिन होता है कि 100 में से 10 सीट विपक्ष के पास होना चाहिए, वो अभी किसी दल के पास नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास 9 सीटें हैं, तो मई के अंत में जब 13 सीटें खाली होंगी तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के पास एक आखिरी मौका होगा विपक्ष के रूप में विधान परिषद में बनने का। जी बिल्कुल विभांशु, अब एक और मौका है सभी पार्टियों के पास अपने दमखम को दिखाने का। क्या लगता है कितना कड़ा मुकाबला इस बार हमें देखने को मिल सकता है? क्योंकि जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी भी इस बार जो है काफी मजबूती के साथ पेश आएगी, तो क्या कुछ माहौल हमें देखने को मिलने वाला है? बिल्कुल अस्मिता, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कहीं ना कहीं इन 13 सीटों पर जो तमाम प्रत्याशी होंगे वो उतार सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें तो कांग्रेस के पास महज 2 विधायक हैं और बहुजन समाज पार्टी के पास महज 1 विधायक है, उमा शंकर सिंह। तो ऐसे में विधान परिषद के लिए कहीं ना कहीं जो पार्टी के विधायक होते हैं वो वोट देते हैं, तो अगर क्रॉस वोटिंग होती है और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो कहीं इनके विधान परिषद में सदस्य बनने की आसार है। मगर बात की जाए तो अगर स्ट्रेट टू स्ट्रेट चुनाव होगा तो भाजपा और सपा के बीच मुकाबला होगा। क्योंकि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 264 से ऊपर सीटें हैं और समाजवादी के पास 111 सीटें हैं 403 विधानसभा सीटों में से। ताकि से बात की जाए तो अब लखनऊ का पूर्वी विधानसभा रिक्त है, तो आने वाले दिनों में चुनाव होगा तो वो सीट किसके पास जाती है वो वक्त बताएगा। और अगर बात की जाए तो 3 मई को विधान परिषद की 13 सीटें खाली हो रही है, उसमें साफ तौर से भाजपा और सपा के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी है, तो इस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है और काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का भी इस पर प्रभाव पड़ेगा, तो देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी लखनऊ से, जहां 10 राज्यसभा सीटें जो है इस बार अप्रैल में खाली होने जा रही है, अब इन पर चुनाव होंगे और काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है।